नाम की जो चिड़िया है ना, इसने अच्छे अच्छों के कपड़े उतार दिए, तो भला वो चाहे ऐसे लोग ही क्यों ना हो जो खुद को बॉलीवुड का बाप समझते हो। इसमें नाम की माला जपने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो है संजय लीला भंसाली का। संजय अब किसी काम के नहीं रहे, सिर्फ अपने प्रोड्यूसर्स का पैसा उड़ाने के अलावा उन्होंने शायद ही कोई और काम किया हो। Well, तो वन टाइम बेस्ट फ्रेंड सलमान ने काफी अच्छी तरह उनके बारे में एक टिप्पणी की है कि संजय अगर खुद के लिए फिल्म बनाना चाहते हैं तो उन्हें ऑडियंस को इतनी तकलीफ देने का हक किसने दिया। खैर, हम अज्यूम करते हैं कि ऐसी दर्दनाक कमेंट के बाद संजय के अंदर की सारी हवा निकल गई होगी और वैसे भी अब उन्हें फिल्में बनाना छोड़ देना चाहिए। संजय जो अपने आप को बॉलीवुड का बाप समझते हैं, अपनी मैजिकल प्रोवेस का सत्यानाश करने के बाद वो अब बॉलीवुड के अनमैजिकल दादाजी बन गए हैं। और ऐसे दादाजी जिनकी याददाश्त हो गई है कमजोर, अच्छी फिल्में बनाना भूल चुके संजय को, अब या तो याददाश्त वापस लाने का इंजेक्शन लेना चाहिए या फिर अपने दिमाग को किसी वीराने में दफन कर देना चाहिए। और अगर दोनों में से कुछ ना हो तो गुजारिश का गंद झेलने के बाद तो हमने और हमारी प्यारी जनता ने तय किया है कि प्रॉपर्टी ने देगा Diamonds of the Year Award। संजय जी आप प्लीज घर पर ही बैठिए हैं, क्योंकि अगर आप फिर से ऐसे अझेल पापड़ हमारी जनता को परोसेंगे तो इस बार पक्का जूते पड़ेंगे। Pop Art Retirement of the Year Award to Sanjay Leela Bhansali at number 6।